नमस्कार दोस्तों मैं बलबीर चौधरी एस आर टी सी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइए आज कुछ क्वेश्चन सेशन पर बात करेंगे डीआरडीओ से रिलेटेड जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है ठीक है और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी हैं ठीक है कि आपको किस प्रकार से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों आपका क्वेश्चन लगा हुआ है ठीक है और जो भी विद्यार्थी अभी तक आपके जुड़ गए हैं आ, वो वीडियो को आप शेयर करो आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी विद्यार्थी आप वीडियो को शेयर करेंगे तो और स्टूडेंट भी आएंगे है ना तो हमें पता रहेगा दोस्तों कि कौन कौन आपके जुड़े हुए हैं तो देखिए दोस्तों आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका आपके सामने है डी से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गफर खान अ गुड इवनिंग दोस्तों देखो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें है ना जिससे और भी विद्यार्थी हमसे जुड़ सकते हैं देखो आपके सामने आपका क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस गेज को आपका जॉनसन गेज कहा जाता है ठीक है दोस्तों आंसर दें जल्दी से जल्दी आपका क्या कहा जाता है जल्दी से जल्दी आंसर दें दोस्तों धन सिंह मीणा गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई वीडियो को अपने साथियों के लिए जरूर शेयर करें ठीक है विक्रम सैनी ए विक्रम सैनी का आंसर है ए और बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी आप आंसर दें ठीक है कोई बात नहीं नहीं पता है तो आप बताइए एक बार कोशिश तो करें कि इसका आपका आंसर क्या होगा विक्रम सिंह ए विक्रम सैनी ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं देखिए इसका जो है अपना जॉनसन गेज ठीक है आपको मैं इसका आंसर बताता हूं दोस्तों एक तो आपका फिलर गेज है ठीक है दूसरा आपका वायर सीट गेज आपका तीसरा आपका स्लिप गेज और चौथा होता है आपका सेंटर गेज तो दोस्तों देखिए यहां पर हम बात करते हैं फिलर गेज की फिलर गेज क्या होता है आपका अगर हम बात करें आपके फिलर गेज की तो फिलर गेज क्या होता है धन सिंह मीणा ये ठीक है दोस्तों बाकी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें है ना जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर करें ठीक है तो देखो फिलर गेज क्या होता है दोस्तों आपके इसमें फिलर गेज में आपके ब्लेड लगे हुए होते हैं यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम देखेंगे ये आपका होल्डर हो गया ब्लेड होल्डर इसमें आपके अलग अलग आपके मोटाई की क्या जुड़ी रहती है दोस्तों आपके पट्टियां जुड़ी हुई होती हैं ठीक है इस प्रकार से अलग अलग पत्तियां होती हैं अलग अलग मोटाई की होती हैं इसका काम क्या होता है दोस्तों आपके दो मैटिंग पार्ट देखो दो चीज है एक तो आपका फिलर गेज और एक होता है आपका कौन सा थिकनेस गेज ठीक है देखिए थिकनेस गेज और फ्लर गेज में क्या अंतर है ऐसी बात नहीं है कि फ्लर गेज और थिकनेस गेज अलग होते हैं ठीक है थोड़ा सा समझना क्योंकि अपन चारों पॉइंटों पर बात करेंगे ठीक है सर आंसर आप देख लेना कौन सा होगा आपका तो देखिए फ्लर गेज जो होता है फ्लर गेज का प्रयोग आपका दो मैटिंग पार्ट्स मतलब दो मिलने वाले जो पार्ट्स होते हैं उनका आपका गैप अगर हमें चेक करना है जैसे आपके स्पार्क प्लग है स्पार्क प्लग का आपको गैप चेक करना है या फिर आपके साफ्ट है और आपके बियरिंग है उसके बीच में आपके आपको गैप चेक करना है मतलब दो मिलने वाले पार्ट्स पार्ट्स मैटिंग parts के मध्य अगर आपको गैप चेक करना होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके गेज का प्रयोग किया जाता है ठीक है लेकिन बात आ रही है थिकनेस गेज क्या होता है तो देखिए दोस्तों थिकनेस गेज क्या होता है अगर हम थिकनेस गेज की बात करें तो फिलर गेज को ही आपका थिकनेस गेज कहा जाता है लेकिन कब कहेंगे जब आपके जैसे हमारे को मान है जैसे मान के चलो ये जीरो पॉइंट जीरो तीन की है ये पत्ती आपके mm की है और ये आपके mm की है अलग अलग हमारे गैप है दोस्तों मेजरमेंट मतलब एक एम mm, एम मोटाई तक ही आपकी पत्तियां होती है लास्ट तो उनके अगर ये एक पॉइंट जीरो दो का गैप होगा तब आप क्या करोगे आपकी दो पत्तियों को आपस में जोड़कर आप मान लोगे या नहीं लोगे जब आप इस फिलर गेज की दो या दो से अधिक पत्तियों को जोड़कर आप गैप चेक करते हो तो उस कंडीशन में इसको आपका आपका क्या कहा कहा जाता जाता है 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 थिकनेस थिकनेस गेज गेज तो कोई अलग से थिकनेस गेज नहीं आता है दोस्तों कौन सा होता है आपका फिलर गेज को ही हम आपका थिकनेस गेज कहते हैं कब कहते हैं जब हमें आपके एक एम mm एम से आपका अधिक मान आपका क्या करना है गैप चेक करना है क्योंकि ये पत्तियां तो आपके एक एम mm एम से अधिक मोटी होगी नहीं है ना तो उसमें दोस्तों आपका क्या होगा इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपके इससे अधिक मान रहा होता है तो दो या तीन पत्तियों को आपस में जोड़कर और गैप को क्या किया जाता है चेक उस कंडीशन में इसको आपका क्या कह देते हैं अपन थिकनेस गेज कह देते हैं दूसरा हम बात करें आपका बायर सीट गेज तो बायर सीट गेज आपने देख रखा होगा दोस्तों बायर सीट गेज किस प्रकार का होता है देखिए बायर सीट गेज की अगर हम बात करें तो बायर सीट गेज आपने देख रखा होगा जो आपके बायर और सीट का आपका क्या करता है चेक चेक करने का का काम करता करता है है दोस्तों बायर और सीट का आपका चेक करता है। आपने इस प्रकार का आपका एक देखा होगा उसमें स्लॉट कटे हुए होते हैं इस प्रकार का होता है या नहीं होता दोस्तों अलग अलग साइज के आपके क्या कटे हुए होते हैं ये स्लॉट कटे हुए होते हैं ठीक है इस प्रकार से है ना ये आपका इस प्रकार से आपके स्लॉट कटे हुए होते हैं ये वाला ठीक है तो देखिए दोस्तों ये आपका क्या होता है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज इस वायर गेज का क्या होता है दोस्तों इसका लिस्ट काउंट कम से कम कितना मान ले लेता है आपका आपके जीरो पॉइंट जीरो एक सौ पच्चीस एम एम से लेकर आपके आठ एम एम तक आपका क्या कर लेता है दोस्तों आपका मेजरमेंट किया जा सकता है ठीक है और ये जो पत्ती होती है स्टील की आपकी पत्ती को काट कर बनाया जाता है है ना इसमें जो ब्याज चेक करते हैं दोस्तों वो आपके स्लॉट से किया जाता है मतलब ये जो नीचे आपका जो ये गड्ढा है इससे कोई मतलब नहीं होता है आपके किससे होता है दोस्तों आपके इस स्लॉट का जो व्यास होता है इससे आपका व्यास चेक किया जाता है मतलब हम कह सकते हैं इसमें आपके किससे चेक करते हैं अपन खांचे से आपका व्यास या डाया आपका क्या किया जाता है दोस्तों आपका चेक किया जाता है दूसरा पॉइंट ये आपके कितने एमएम mm मोटी पत्ती का बनाया जाता है ये आपके तीन एमएम mm मोटी पत्ती का बना हुआ होता है दोस्तों मोटाई भी पूछ लेता है आपके वायर गेज की आपकी जो पत्ती आपकी होती है मनोज कुमार जयशंकर महाराज आंसर बताइए दोस्तों अभी तक आपका किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है ठीक है अभी तक एक भी स्टूडेंट सही जवाब नहीं दे पाया है तो आप इसके आंसर भी दें है ना बाकी मैं तो समझा ही रहा हूं सारी चीजों को तो देखिए आपके तीन एम एम मोटी पट्टी को अपन बनाते हैं ठीक है और हम बात करें दोस्तों किसका बना हुआ होता है आपका क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है ठीक है किसका बनाया जाता है आपका क्रोमियम स्टील का ये तो था आपका स्टैंडर्ड वायर गेज ठीक है तीसरा अपना आता है दोस्तों स्लिप गेज अब देखो गेजों का जो पापा है ना पापा पापा कौन है दोस्तों आपका स्लिप गेज मतलब ये जितने भी गेज होते हैं इनकी एक्यूरेसी चेक कौन करता है आपका स्लिप गेज करता है तो पापाई तो हुआ है इनका है ना तो हम बात करें दोस्तों स्लिप गेज जो होते हैं ए goal, ए फोकस ऑन गोल ठीक है कोई बात नहीं इधर देखिए दोस्तों मैं बताता हूं आपको इसका आंसर ठीक है तो देखिए हमारा तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है आपका स्लिप गेज ठीक है दोस्तों सी स्लिप गेज बिल्कुल सही आंसर देखो जो स्लिप गेज होते हैं स्लिप गेज आपके क्या करते हैं दोस्तों ये आपके मास्टर गेज गेज या इनको हम कंट्रोल कहते हैं क्योंकि बाकी के जितने भी गेज होते हैं वो सही हैं या नहीं है उन गेजों की प्रशुद्धता चेक करने का काम कौन करता है स्लिप गेज करता है ठीक है तो देखिए दोस्तों स्लिप गेजों की अगर हम बात करें तो स्लिप गेज को आपका बेवर सेट भी कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों इसको बेवर सेट भी बोलते हैं और इसी को आपका जॉनसन गेज कहा जाता है ठीक है दोस्तों जॉनसन आपका इसे देखते हैं अपन है ना और दूसरी अगर हम बात करें इनको आपके हाई किसका मेटेरियल का बनाते हैं क्योंकि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो इनको हम किसका बनाते हैं आपके स्लिप गेज जो होते हैं दोस्तों स्लिप गेज आपके बनाए जाते हैं किसके आपके हाई क्वालिटी स्पीड स्टील के ठीक है हाई क्वालिटी अब देखो अगर हम बात करें हाई क्वालिटी की तो हाई क्वालिटी जो स्टील होती है मतलब उच्च गुणों वाली स्टील का आपका स्लिप गेज बनाया जाता है उसका रीजन क्योंकि एक्यूरेसी आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए तो अपन स्टील में अपन जितना आपके एक्यूरेसी हम बढ़ा सकते हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं वो घिसे नहीं उस पर जंग नहीं लगे मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य ऐसा ना हो उसके लिए अपन क्या करते हैं उच्च ग्रेड की स्टील तैयार करते हैं ठीक है दोस्तों क्या करते हैं उच्च ग्रेड की स्टील तैयार आपके करके आपके ये ब्लॉक्स बनाए जाते हैं तभी तो आपका नाम आया जॉनसन गेज ब्लॉक जॉनसन ने बनाया था इनको इसीलिए उसने अपने नाम पर ही रख दिया आपका जॉनसन गेज ब्लॉक इसका नाम ठीक है तो जॉनसन ब्लॉक कहा जाता है और ये आपके हाई क्वालिटी की स्पीड के बनाए जाते हैं दोस्तों ठीक है तो इसमें भी आपके क्या है अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जैसे एक तो आपका 45 और एक आपके 111 ये जो सेट होते हैं ना दोस्तों ये सबसे ज्यादा आपके प्रयोग में लिए जाते हैं ठीक है तो 45 नंबर की सीरीज वाला जो आपका बॉक्स होता है 45 नंबर की सीरीज वाला जो बॉक्स होता है दोस्तों उसमें आपके कितनी होती है पांच सेट होते हैं कितने होते हैं दोस्तों पांच सेट ठीक है इसमें अगर हम बात करें तो पांच सेट होते हैं कौन कौन से सेट होते हैं अगर आपसे पूछ ले पैंतालीस की सीरीज में फर्स्ट सेट में आपके कितने ब्लॉक्स आपके प्रयोग में लिए जाते हैं तो पहले में नौ दूसरे में नौ तीसरे में नौ चौथे में भी नौ और पांच में भी कितने होते हैं आपके नौ और नौ इंटू पांच करोगे तो आपके कितना हो गया आपका पैंतालीस इसमें आपका मान जो होता है दोस्तों ये आपके वन पॉइंट सॉरी यहां से हम मान लेते हैं दोस्तों तो इसका जो मान लिया जाता है वो आपके जीरो पॉइंट डबल जीरो आपके जीरो पॉइंट डबल जीरो नाइन तक लिया जाता है पहले में इतने बीच की रेंज का आपका मान लिया जा सकता है दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों दूसरे में जीरो पॉइंट जीरो वन से लेकर आपके जीरो पॉइंट जीरो नाइन तक आपका मान लिया जाता है है ना तो इस प्रकार से आपके ज्यादातर अपन पैंतालीस की लेते हैं और एक आपका किसका लेते हैं दोस्तों एक सौ ग्यारह वाला ठीक है तो ज्यादातर इसमें इस प्रकार से आपके सेट होते हैं ध्यान रखना 45 में आपके पांच सेट होते हैं 45 वाली सीरीज में जिसमें आपके प्रत्येक में आपके कितने होते हैं नौ नो ब्लॉक्स होते हैं ठीक है जो आपके नौ मान ले सकते हैं है ना जैसे यहां पे देखें एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ तक मान आपका लिया जा सकता है है ना तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें आपके अगले पॉइंट पर तो एक वाला जो होता है एक वाला जो होगा उसमें आपका कितना होगा ठीक है दोस्तों इसमें देखिए आपका अगला अगर हम बात करें, एक वाला. तो एक दोस्तों तो इसमें कितने कितने सेट होते हैं एक आपके थोड़ा सा जनरल आइडिया आपको होना चाहिए इस चीज के बारे में क्योंकि स्लिप गेज जो होते हैं वो आपके क्वालिटी चेक करने का काम करते हैं तो देखिए इसमें फर्स्ट वाले में तो कितने होते हैं दोस्तों एक ठीक है दूसरे वाले में कितने होते हैं आपके 49. फिर इसमें कितने कितने होते हैं कितने होते हैं हैं दोस्तों और चौथे वाले में आपके चार तो हम बात करें तो इसमें अलग अलग सेट में इसमें आपके उनचास होते हैं दोस्तों लास्ट लिमिट इसके द्वारा आपके पच्चीस एमएम mm तक आपके क्या लिया जा सकता है दोस्तों मान और आपके इस पैंतालीस वाले सेट से हम कितने तक ले सकते हैं आपका दस एमएम mm तक का आपका मान लिया जा सकता है समझे बात को दोस्तों जो आपके दो सेट होते हैं ना अपने 45 और 111 ये सबसे ज्यादा यूज लिए जाते हैं 45 वाले से दस एम एम तक का आपका अंतिम मान लिया जा सकता है और आपके जो एक सौ वाला जो सेट सीरीज होती है उसके द्वारा हम कितने ले सकते हैं आपका 25 एम mm एम तक आपका मान लिया जा सकता है तो दोस्तों इसका आपको आंसर क्लियर हो गया होगा आपका क्या होता है स्लिप गेज ठीक है आंसर ध्यान रखना जॉनसन गेज या बेबर सेट गेज किसे कहा जाता है दोस्तों स्लिप गेज को कहा जाता है ओके okay. ठीक है दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों निम्न को आपको सुमेलित करना है ठीक है तो आप जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताइए दोस्तों इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है इनके आपको मिलान करने हैं कि इस पेंडल का कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा ठीक है मनोज कुमावत जी ठीक है वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों मजा नहीं आ रहा है अभी कुछ स्टूडेंट नहीं जुड़ पा रहे हैं ठीक है क्लास आज पहली है कोई बात नहीं लेकिन अपन डीआरडीओ के हिसाब से आप थोड़ी बहुत तैयारी करवा देते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए है ना तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी आपका स्पेंडल रेचेट स्टॉप आपका बैरल और थिम्बल माइक्रोमीटर की बात कर रहा है दोस्तों माइक्रोमीटर देखा होगा आपने नहीं देखा है तो देख लो आप माइक्रोमीटर इस प्रकार का होता है आपका ठीक है इस माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका लॉकनेट लगा हुआ होता है दोस्तों ठीक है और लॉक नट के बाद में आपका यहाँ पर बैरल या स्लीव होता है और ये आपका क्या होता है आपका थिम्बल और थिम्बल के बाद में आपका यहाँ पर यह क्या लगा हुआ होता है मेरे प्यारे दोस्तों रेचेट स्टॉप लगा हुआ होता है ठीक है और ये आपका वृत्ताकार पैमाना ये आपका रेखीय पैमाना ठीक है यहाँ पर आपका स्पेंडल लगा हुआ होता है और यहाँ पर आपके एनविल लगी हुई होती है इस प्रकार का होता है मेरे प्यारे दोस्तों माइक्रोमीटर तो आप बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए मुझे क्या आंसर होगा जल्दी से जल्दी बताइए मेरे प्यारे दोस्तों आंसर क्या होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताइए आंसर बताइए क्या आंसर होगा आंसर बताओ मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर होगा आंसर बताइए जल्दी से जल्दी आंसर बताओ क्या आंसर होगा देखो इसमें आपका एक तो रेचेट स्टॉप ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों इसको हम रेचेट स्टॉप बोलते हैं ठीक है ये क्या होता है आपका रेचेट स्टॉप ये वाला पोर्शन जो होता है वो आपका थिम्बल कहलाता है दोस्तों ठीक है ये थिम्बल हो गया आपका ये आपका क्या हो गया दोस्तों बैरल या फिर हम इसको स्लीप भी बोल देते हैं ठीक है इसी को आपका बैरल या फिर आपका स्लीप बोला जाता है ठीक है दूसरा आपका इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका स्पेंडल होता है ठीक है और ये आपकी क्या होती है आपकी एनविल होती है एनविल के बाद में ये वाला पोर्शन आपका फ्रेम होता है चलो आप बताइए अब आंसर बताओ आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्लिक करो दोस्तों क्या आपका आंसर होगा कंप्यूटर महोदय कमेंट सेक्शन दिखाया जाए अच्छा आंसर आना स्टार्ट हो गए अच्छा बबलू कुमावत सी गफ्फार का आंसर दिया है ठीक है दोस्तों अभी देख लेते हैं अपन देखो आपका बी आकार की थ्रेड

जी थी, ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं देखो माइक्रोमीटर का स्पेंडल ये हो गया इस पर आपके क्या कटी हुई होती हैं बी आकार की थ्रेड काटी जाती हैं कौन सी थ्रेड काटी जाती हैं दोस्तों बी आकार की थ्रेड कटी हुई होती हैं ठीक है अटक रही है सर जी क्लास सही से नहीं चल रही है आ, थोड़ी बहुत हो सकता है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो हो जाएगी थोड़ी देर में ठीक है ना अब सही चल रही होगी वैसे कर दिया गया है क्लास को ठीक तो देखिए दोस्तों इस पर आपके बी आकार की थ्रेड होती हैं तो हम बात करें स्पैंडल मतलब पहले के लिए आपका कौन सा सही है आपका पहला ही सही है ठीक है मतलब ए जहां आ रहा है वो तो ये आपके दो ऑप्शन मतलब इनको तो आप हटा ही दो दोनों को ये तो होंगे ही नहीं क्योंकि सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए ए आना चाहिए ठीक है दोस्तों अब देखिए आपका दूसरा हम देखते हैं रेचेट स्टॉप रेचेट स्टॉप आपका ये होता है ना और रेचेट स्टॉप आपके क्या नट का काम करता है और इस पर जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी कौन सी आपके बटरेस थ्रेड ठीक है बटरेस थ्रेड होती हैं किस पर आपके स्टॉप पर मतलब दूसरा आंसर क्या होगा आपका डी मतलब ए के बाद में डी मतलब आंसर तो आपका भी आ गया ठीक है दोस्तों इस प्रकार से भी देखना है आपको समय भी खराब नहीं करना है जब आपको पहले चीज का पता चल जाए कि पहले का आंसर ये है तो पहला ऑप्शन तो यही होना चाहिए है ना ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ठीक है क्लास को शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों है ना तो देखिए आपका दूसरा हम बात करें दोस्तों थ्रेड की थ्रेड आपके काफी प्रकार की होती हैं हमारे बी आकार की जो थ्रेड होती हैं दोस्तों ये आपके अधिकतर स्पेंडलों पर काटी जाती हैं या साधारण नट बोल्ट पर काटी जाती हैं लेकिन बटरेस थ्रेड का प्रयोग कहाँ करते हैं देखिए अगर हम बात करें आपकी तो देखिए आपका बात करें आपके देखो दोस्तों आपके एक तो होती है आपकी कौन सी बी आकार की थ्रेड आकृति के आधार पर या आकार के आधार पर बी आकार की दूसरी कौन सी होती है दोस्तों आपके बरगा चला बरगाकार से तो इसको भी मॉडिफाई करके हमने आपके कौन सी बना दी दोस्तों एक्मे थ्रेड एक्मे थ्रेड को भी आपका मॉडिफाई किया तो आपके कौन सी बन गई आपकी बटरेस थ्रेड और बटरेस थ्रेड इनको भी मॉडिफाई करके हमने कौन सी थ्रेड बनाई बरम थ्रेड और एक होती है दोस्तों आपके नकल थ्रेड देखिए दोस्तों ये जो चूड़ियां होती हैं ये अपने लोड क्या काम ही तो करती हैं सर जी मेरा लग रहा है लगा है तो सर क्या मैं तैयारी करूं क्या प्लीज बताएं क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों अच्छा मेरे चश्मा लग रहा है तो आप लेजर करवा सकते हो ठीक है दिखा सकते हो अभी तो टाइम है काफी समय है तो ऐसी कोई बात नहीं है है ना तो देखिए दोस्तों इसमें अगर हम बात करें बी आकार की थ्रेड की ठीक है तो बी आकार की जो थ्रेड होती है इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं पता है आपको जहां पर आपका देखो संपीडन लोड लग रहा हो ठीक है कौन सा लोड लगता है आपका संपीडन मतलब दबाने वाला जहां लोड लगता है पर लेकिन ये ज्यादा लोड सहन नहीं कर सकती क्यों क्योंकि आपको पता है P बराबर आपका क्या होता है दोस्तों F अपॉन के A मतलब आपके पास में कोई कील है ठीक है इस कील की अगर मैं बात करूं और ये आपके कोई टेबल है अगर मैं इसको इसमें ठोकता हूं आपका पांच सौ न्यूटन का बल लगाता हूं ठीक है पांच सौ न्यूटन का बल लगाया और मैं इस पर प्रेशर करता हूं तो ये इसके अंदर नहीं जाएगी नहीं जाएगी ना लेकिन अगर इसी को मैं आपका इस प्रकार से कर दूं कील वही है और आपके इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया और मैं अगर इस पे आप दबाव लगाता हूं तो ये आसानी से प्रवेश कर जाएगा पांच सौ का ही आप दबाव बल लगा रहे हैं उसका क्या है दोस्तों उसका रीजन क्या है जब आपका एरिया देखो यहाँ पर आपका एरिया क्या है कम है तो दबाव ज्यादा लगेगा फिर हमने क्या किया इसका एरिया ही बढ़ा दिया इस प्रकार से अब एरिया काफी बड़ा हो गया ना तो आपका क्या होगा दोस्तों अब आसानी से आपके चूड़ी वो सॉरी अब आपका आपका कितना भी लोड या दबाव सहन कर सकती है। फिर हमने क्या किया फिर इस पे नट अटकने लग गया काम तो हुआ लेकिन नट आपका सही ढंग से मतलब शीघ्रता से आपका बैठता ही नहीं था हमने क्या सोचा कि नीचे आपका देखो जड़ में आपका ज्यादा लोड रहेगा ऊपर कम रहेगा तो हमने ऊपर से इसको थोड़ा सा आपका क्या कर दिया कम कर दिया ठीक है

तो जहां आपका दबाव लगता है वहीं पर आपका क्या होगा दोस्तों आपका उसको चौड़ा बना दिया है ना तो इस प्रकार की का. है, अपने पॉइंट पर आते हैं क्वेश्चन है, है, क्या है दोस्तों आपका कि निम्न को सुमेलित ठीक है तो मतलब बटरेस थ्रेड हो गई आपकी किस पे? रैचेट पर ठीक है दोस्तों बैरल वाला जो भाग है बैरल वाले भाग की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस भाग पर आपका ये बैरल हो गया ये थिंबल हो गया बैरल वाले भाग पर दोस्तों आपके जो पैमाना होता है वो कैसा होता? आपका मुख्य पैमाना होता है देखो जैसे अपन मान लेते हैं ना अपन दस पॉइंट उनचास तो देखो मुख्य माप तो ये हो गई और आपके सब माप ये हो गई उपमाप ये हो गई तो मुख्य माप आपके किससे ली जाती है मुख्य कितने ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आपका बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का अल्पतमान ठीक है बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का अल्पतमान कितना होता है आप जल्दी से जल्दी आंसर बताएं दोस्तों कमेंट सेक्शन दिखाया जाए अटक रही है सर जी क्लास सही से नहीं चल रही है लगा है तो सर क्या मैं तैयारी कर सकता हूं प्लीज बताएं एक तरफ ज्यादा दबाव होगा ठीक है ठीक है ठीक है इसका आंसर बताएं दोस्तों इसी में आपके दोस्तों देखो एक तो बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर है ना और एक होता है दोस्तों प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर आप जानते हो चांदा जिसे आप बोलते हो अपनी भाषा में ठीक है एक होता है आपका साइनवार और एक होता है दोस्तों आपका एंगल गेज ब्लॉक ठीक है सबका मान बताइए दोस्तों मुझे एंगल गेज ब्लॉक का भी बताइए एंगल गेज ब्लॉक इनके लिस्ट काउंट पूछे जाते हैं ये सभी मापने के काम आते हैं आपके ठीक है ये आपके कोणों का सूक्ष्म मापन करते हैं दोस्तों ठीक है सूक्ष्म मापन करते हैं दोस्तों कोणों का तो आप देखिए प्रोटेक्टर जो होता है वो आपका कितने तक लेता है दोस्तों एक डिग्री मतलब एक डिग्री का मतलब हुआ दोस्तों साठ मिनट तक कितने तक मेजर कर सकता है आपका साठ मिनट तक चांदा जो होता है लेकिन हमें तो आपका कम भी करना पड़ेगा ना क्योंकि हमारे पास में जो पार्ट्स हैं उनमें छोटे छोटे टेपर दिए जाते हैं मतलब कोई बहुत सूक्ष्म टेपर भी दे देते हैं ना इस प्रकार से पता ही नहीं चलता कि इसमें एंगल कितना है है ना तो सूक्ष्म जो होते हैं आपके कोणों का जब मापन करना होता है सूक्ष्म मापन करना होता है दोस्तों तो हम किस प्रकार से करते हैं बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की बात करें तो दोस्तों ये आपके एक डिग्री के बारहवें भाग को मेजर करता है एक डिग्री के कितने बारहवा भाग मतलब हम कह सकते हैं आपका इसमें आपके साठ मिनट और इसका बारहवा भाग कितना हुआ दोस्तों आपके पांच मिनट तक आपका क्या कर सकता है आपका कोण का मेजरमेंट कर सकता है आपका है ना भाई अगर इसकी बात करूं मैं कमलेश मीणा गुड इवनिंग दोस्तों एक डिग्री पचपन मिनट बिल्कुल सही बात है ठीक है एक डिग्री पचपन मिनट साइन बार की अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों साइन बार किससे कितना करेंगे अपन जल्दी बताइए साइन बार से कितना करेंगे अपन कितना कर सकते हैं और एंगल गेज ब्लॉक से कितना कर सकते हैं बताइए कहाँ गए सभी लोग कौन कौन है कृपया बताएं मुझे देखिए साइन बार जो होता है दोस्तों साइन बार का जब हम पांच मिनट से अगर हमें कम का चेक करना होगा है ना तो हम किससे करेंगे भाई पांच मिनट से भी कम हो सकता है ना तीन मिनट भी हो सकता है दो मिनट भी हो सकता है है ना तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों ये आपके पांच मिनट से कम कोणों का मेजरमेंट करता है कितने का करता है आपका पांच मिनट से पैंतालीस डिग्री तक आपका क्या कर सकता है कोणों का मापन कर सकता है ठीक है और प्रोटेक्टर आपने देख रखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों प्रोटेक्टर होता किस प्रकार का है एक तो इसमें आपके ये डिस्क होती है मेन ठीक है जिस पर आपका मेन पैमाना होता है ठीक है मान के चलो ये आपके जीरो हो गई ठीक है ये आपके क्या हो गई दोस्तों जीरो हो गई अगर आप यहां पर देखोगे तो इस प्रकार से इसमें मान बने हुए होते हैं ठीक है तो आप अगर अगर देखोगे पर जैसे मान के चलो इसकी अगर मैं बात करूं तो दूसरा इसमें आपका एक डिस्क होती है ठीक है और इस डिस्क पर आपका क्या लगा हुआ होता है दोस्तों एक बर्नियर पैमाना लगा हुआ होता है इस प्रकार से आपका अलग से एक डिस्क पर आपका क्या लगा रहता है बर्नियर पैमाना अगर हम इस बर्नियर पैमाने की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों ये बर्नियर पैमाना हुआ ठीक है भाई इसमें अगर हम करते हैं बात तो इसमें ये क्या हुआ दोस्तों आपका बर्नियर पैमाना यहाँ पर होता है ठीक है जिसमें आपका क्या होता है इसमें आपके जैसे ये बर्नियर पैमाना हो गया आपका इसमें जीरो से बारह भाग इधर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह मतलब इसमें बारह भाग आपके जीरो के इधर होते हैं सर जी लेजर जाता है क्या ए में मैंने डिप्लोमा किया है सर जी कोई दिक्कत तो नहीं होगी देखो लेजर वाले पिछली बार कुछ स्टूडेंट गए तो हैं है ना पर लेकिन अपन इसमें सौ परसेंट भी नहीं कह सकते आपसे कि भाई इस प्रकार से है जैसे यहाँ से कुछ लड़कों ने लेजर करवाया था और गए भी हैं और तो लग भी रहे हैं है ना तो वैसे तो सौ परसेंट हम नहीं कह सकते इस बार क्या होगा ये तो गवर्नमेंट रूल है है ना तो वो चीज़ें देखिए आप तो देखिए दोस्तों इसमें जीरो से आपके बारह भाग इधर होते हैं और बारह भाग आपके इधर होते हैं लेकिन आपके ये तो होता है आपका मुख्य पैमाना ठीक है मुख्य पैमाना होता है मेन स्केल होता है और ये वाला होता है दोस्तों आपका स्केल ठीक है ये आपका बर्नियर स्केल होता है ठीक है दोस्तों ये आपका बर्नियर स्केल होता है तो देखिए इसमें अगर आपसे बात पूछी जाए कि अगर हम बात करें कि ये बारह भाग जो हैं वो यहां पर कितने के बराबर होंगे है ना ये बारह भाग जो होते हैं, हैं मुख्य पैमाने के कितने के बराबर होते हैं ये बारह भाग दोस्तों आपके तेईस भागों के बराबर होते हैं बर्नियर के भाग आपके कितने के बराबर होते हैं दोस्तों के के मेन स्केल क्या होते हैं आपके तेईस भागों के बराबर होता है ठीक है दोस्तों मेन भागों के कितने के बराबर होता है आपका तेईस भागों के बराबर होता है ठीक है तो अब इसमें आप देखिए दोस्तों इसके द्वारा अपन कितने कम से कम हमने देख लिया है ना कितना आपका कम से कम आपका इसमें जो मेजरमेंट किया जाता है आपके पांच मिनट तक का किया जाता है अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसमें मान जो रहते रहते हैं हैं ना आपके वो किस प्रकार से रहते हैं? जैसे जीरो से जैसे नब्बे और नब्बे से जीरो और फिर जीरो से नब्बे और नब्बे से जीरो इसमें जो मेजरमेंट किया जा रहा है दोस्तों वो आपके कितने तक कर सकते हैं अगर देखा जाए तो आपके नाइन्टी तक ही मेजरमेंट किया जाता है है ना वैसे तो तीन सौ साठ तक भी कर सकते हैं इसमें क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि टोटल आपका जो ये घेरा होता है वो आपके तीन सौ साठ का ही बनेगा ना जीरो से नब्बे हो गया नब्बे से एक सौ अस्सी लेकिन जो मान इस पर रहते हैं दोस्तों वो केवल चार ही रहते हैं जीरो से नब्बे नब्बे से जीरो ठीक है और जीरो से नब्बे फिर आपका नब्बे से जीरो इस प्रकार से पूरा पैमाना आपका चार भागों में आपका क्या रहता है आपका डिवाइड रहता है ठीक है एक इसमें दोस्तों इस प्रकार से आपका क्या लगाया जाता है एक ब्लेड लगा दिया जाता है ठीक है यह आपका क्या हो गया आपका ब्लेड लगा हुआ होता है और ब्लेड के जो किनारे होते हैं इनको बेबल किया जाता है ये इसका नाम बेबल क्यों पड़ा देखो बर्नियर तो इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बर्नियर पैमाना लगा है दूसरा बेबल की अगर हम बात करें तो बेबल भी होगा आपका बेबल का मतलब होता है तिरछा कर देना तो इसके ब्लेड के जो किनारे होते हैं दोस्तों वो बेबल किए जाते हैं तिरछे किए जाते हैं इस प्रकार से तो इसमें अगर आप देखोगे एक तरफ आपका कितना साठ डिग्री का कोण होता है और एक तरफ आपका कितना होता है आपका 45 डिग्री का आपका कोण होता है मतलब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के दोनों जो किनारे होते हैं वो दोस्तों आपके और 45 पर आपके आपके क्या होते हैं आपके बेवल हैं बेवल बेवल किए जाते तभी तो इसको बेवल बोला जाता है और प्रोटेक्टर मतलब चांदे का, का काम करता है ये भी कोण मापन करता है तो इसीलिए इसको बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कहा जाता है ठीक है दोस्तों साइन वाहर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं पांच मिनट तक लेकिन इसमें लिमिट आ गई कितनी आपके पैंतालीस डिग्री तक लेकिन एंगल गेज ब्लॉक जो होता है दोस्तों ये आपके तीन सेकंड कितने तक कर सकता है आपका तीन सेकंड तक आपका क्या कर सकता है कोणों का मापन कर सकता है ठीक है दोस्तों तो इसकी अगर हम बात करें आपसे एंगल गेज ब्लॉक का अगर लिस्ट काउंट पूछे तो तीन सेकंड बहुत मान मतलब इनके भी इनका पापा है ये है ना अगर आप देखोगे प्रोटेक्टर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर साइनवार इनको चेक करता है कि ये सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके द्वारा इनकी परशुद्धता भी चेक किया जा सकता है ठीक है तो एंगल गेज ब्लॉक का आपका लिस्ट काउंट हो गया दोस्तों इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें आपका एक क्या लगा हुआ होता है दोस्तों न्यून कोण अटैचमेंट भी लगा हुआ होता है ठीक है एक पत्ती होती है सौ एम एम की आयताकार जिसे न्यून कोण अटैचमेंट बोलते हैं जिससे आपके क्या होता है दोस्तों दोनों प्रकार के कोणों का मापन किया जा सकता है इसके द्वारा अधिक कोण का भी और आपके न्यून कोण का भी ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन ठीक है आउटसाइड माइक्रोमीटर में बैरल या स्लीप पर चूड़ियों की संख्या प्रति इंच कितनी होती है ठीक है क्वेश्चन है दोस्तों आपके आउटसाइड माइक्रोमीटर में बैरल या स्लीप पर चूड़ियों की संख्या प्रति इंच कितनी होती है जल्दी से जल्दी जवाब दें मेरे प्यारे दोस्तों मेरे भविष्य के लोको पायलट जल्दी से जल्दी आंसर दें आपका आंसर क्या होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर में बैरल या स्लीप पर प्रति इंच चूड़ियों की संख्या प्रति इंच चूड़ियों की संख्या जल्दी बताइए दोस्तों डी डी बता रहा है मनोज कुमावत जी डी बता रहे हैं चालीस ठीक है और बाकी के विद्यार्थी भी आंसर दें खेमचंद मीणा ए ठीक है और बताइए और जल्दी से जल्दी आंसर दो दोस्तों सी एस के एच एम सी कहाँ से हैं आप? आपका नाम बताएं एस के कमलेश मीणा बत्तीस देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है फोकस बी, ठीक है कोई बात नहीं देखो हमारे पास में अगर हम बात करें ये वाला जो पोर्शन होता है वो आपका क्या है माइक्रोमीटर में ये वाला पोर्शन आपका किसका होता है दोस्तों थिम्बल का होता है स्लीप होता है सुनील ठीक है दोस्तों सुनील कुमार बहुत बढ़िया इधर देखिए आप कहा से हैं आप तो देखिए दोस्तों बाबू कुमावत चालीस बिल्कुल सही जवाब तो आंसर दोस्तों इसका चालीस होगा ठीक है चालीस ही होगा क्योंकि आपके देखो इसमें क्या होता है कि आपके टोटल भाग जो होते हैं दोस्तों यहां तक ये यह आपके जीरो हो गई और जीरो से टोटल भाग कितने होते हैं दोस्तों पच्चीस भाग ठीक है प्रत्येक को हम क्या करते हैं इन टोटल भागों को आपके दस बराबर भागों में क्या कर दिया जाता है आपका बांट दिया जाता है ठीक है दस बराबर हनुमानगढ़ से हैं। है ठीक है मतलब एक बटे दस कर दिया मान के चलो ये आपका एक भाग है इसको हमने बराबर कितने में बांट दिया मेरे प्यारे दोस्तों दस बराबर भागों में बांटा ठीक है फिर उसके बाद प्रत्येक को जैसे ये वाला जो भाग है इसको भी हम चार बराबर भागों में आपके क्या कर देंगे डिवाइड मतलब वन बाई फोर तो टोटल आपका वन बाई कितना हो जाता है आपका दोस्तों फोर्टी हो जाएगा और यहां पर अगर हम देखेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों पच्चीस हो जाएगा इतना होगा या नहीं होगा मतलब इंच में मान आएगा क्योंकि ये आपके इसका अगर मतलब देखो अपने पास में क्या है चालीस चूड़ियां हैं एक इंच में कितनी चूड़ियां हैं दोस्तों चालीस क्योंकि तभी तो आपके भाग होंगे भाई एक भाग का मान किस प्रकार से है अच्छा फोकस ऑन गोल आप यूपी से हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है दोस्तों अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें है ना जिससे आपके जो ओवर पास अपने जितनी भी कनेक्टिविटी है लोगों की उनको जरूर शेयर करें जिससे वो भी इन चीजों का आपका फायदा उठा सकें और हमें भी थोड़ा आनंद आएगा ज्यादा स्टूडेंट देखेंगे तो और भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा है ना तो देखिए दोस्तों मेरे भाभी लोको पायलट भविष्य के किस प्रकार से होगा आपका तो इसमें क्या होता है दोस्तों बैरल वाले जो भाग होता है इस पर प्रत्येक को हम किस में करते हैं दोस्तों दस बराबर भागों में ठीक है जैसे दस बराबर भागों में कर दिया एक को फिर हमने क्या किया प्रत्येक को फिर चार भागों में किया है मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका मान कितना आता है जीरो पॉइंट जीरो पच्चीस मतलब अगर ये भी पूछ लेना कि चूड़ी की पिच कितनी हुई फिर तो चूड़ी की पिच आपको पता है ना बन अपॉन के टीपीआई भाई प्रति इंच चूड़ियों की संख्या चालीस है इसमें भाग दोगे तो जीरो पॉइंट जीरो पच्चीस इंच आएगा या नहीं आएगा बताइए आप आसानी तो तो पच्चीस की रेंज का है जीरो से पच्चीस रेंज वाले में टोटल भाग तो पच्चीस है लेकिन हम क्या करते हैं प्रत्येक भाग को दो बराबर भागों में बांट देते हैं मतलब यहां पर दो बराबर भागों में तो टोटल भाग कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों आपके पचास हो गए है ना तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर एक एम एम को हमने दो बराबर भागों में बांटा है तो यहां पर चूड़ी की पिच कितनी होगी दोस्तों आपके कम कम से कम मान कितना हुआ पर एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा अरे भाई चूड़ी की पिच से ही तो करेगा अगर एक चक्कर घूमेगा तो यहां से उतर आपका यहीं तो पहुंचेगा तो इसके बीच की दूरी जो होगी उसी से तो मान लिया जाता है वो आपका जीरो हो गया लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है आपके एक भाग को दस बराबर भागों में और फिर प्रत्येक को चार बराबर भागों में मतलब एक बटे चालीस तो चूड़ी की पिच कितनी हुई कम से कम मान जो हुआ आपका बैरल वाले भाग पर जीरो पॉइंट जीरो पच्चीस इंच होता है ठीक है दोस्तों यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं इसका लिस्ट काउंट भी इसी प्रकार से निकाल लिया जाता है कैसे निकालते हैं देखिए है। लिस्ट काउंट जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे भाई हमें पता है देखो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है लिस्ट काउंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आपके एक भाग का मान एक भाग का मान और क्या होगा दोस्तों आपका कुल भागों की संख्या है ना कुल भागों की संख्या तो आप देखिए दोस्तों सर बैरल में रखिए पैमाना होता है हाँ बैरल में बिल्कुल रेखिए पैमाना होता है सही है ठीक है तो देखिए अब हमारे पास में क्या है दोस्तों अगर हम निकालते हैं आपका थिम्बल वाला इससे तो तो आ जाएगा आपका में तो देखिए आपके थिंबल पर एक भाग का मान उनको हमने क्या किया आपके? दो बराबर भागों में बांट दिया एक एम का आधा मतलब जीरो पॉइंट फाइव एक भाग का मान इतना हुआ कम से कम भाग आपके कितने हो रहे हैं टोटल पचास हो गए या नहीं हो गए टोटल भाग कितने हुए मेरे प्यारे दोस्तों पचास हो गए ठीक है यहाँ से हम मान निकालेंगे पॉइंट हटाए तो पांच बटे आपका पांच सौ हो जाएगा ठीक है पांच से ये कट गया मतलब अर्थात आपका जीरो mm पॉइंट जाएगा बताइए जीरो पॉइंट जीरो या नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों एम mm एम में आ गया अब देखो आप उस पर अपन स्लीप पर बात करें टोटल भाग कितने थे पच्चीस और एक भाग का मान हमने कितना निकाला दोस्तों जीरो पॉइंट जीरो पच्चीस मतलब इसमें भी आपके एक भाग का मान कितना है दोस्तों एक भाग का मान कितना आपका जीरो पॉइंट जीरो पच्चीस इंच ठीक है और अगर कुल भागों की बात करें तो कुल भाग कितने होंगे दोस्तों आपके पच्चीस तो ऊपर से पॉइंट के आगे तीन अंक हैं तो नीचे हम इसको पच्चीस बटे पच्चीस हजार भी लिख सकते हैं दोस्तों है ना और पच्चीस से पच्चीस कैंसिल वन बाई हजार अर्थात आपका जीरो पॉइंट डबल जीरो वन इंच आएगा या नहीं आएगा इस प्रकार से आपका इसमें लिस्ट काउंट निकाल लिया जाता है ना तो इसमें आप क्या दोस्तों इस प्रकार से आपका लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं तो बताइए है। जल्दी से जल्दी अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका प्रोटेक्टर हो गया यह क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो मैंने अभी बताया भी था आपको बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का समझाया भी था क्वेश्चन है आपका बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के ब्लेड के किनारे कितने डिग्री पर आपके बेबल किए जाते हैं या तिरछे किए जाते हैं ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों साठ पैंतालीस तीस पैंतालीस पैंतालीस साठ पैंतालीस नब्बे आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों बताइए दोस्तों आंसर साठ पैंतालीस बाबू कुमावत साठ पैंतालीस और भी बताएं मनोज कुमावत ये कमलेश सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं थैंक यू अच्छा पढ़ा रहे हैं दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें है ना और भी अच्छा पढ़ाएंगे अभी तो कुछ नहीं है सेशन थोड़ी सी आ, अभी की है व्यवस्था आपके पर लेकिन अपन करेंगे रेगुलर क्लास हो सकता है कि क्लास को रेगुलर रखें आज थोड़ी सी बफरिंग भी हो रही है है ना एस के एच एम ए हाँ बिल्कुल अभी बताया था मैंने आपके ब्लेड के जो किनारे होते हैं अच्छा ब्लेड की लंबाई बताइए मुझे ब्लेड का मेटेरियल भी बताइए कि आपका जो मेटेरियल है और ब्लेड जो आपका बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का ब्लेड होता है वो इस प्रकार का है बेवल है ना एक आपका साइड डिग्री पे और एक आपका कितने पर मेरे प्यारे दोस्तों पैंतालीस पर इसकी लंबाई बताइए आप जल्दी से जल्दी कितनी लंबाई है इसकी आपके चौड़ाई बताइए मुझे कितनी होती है और इसकी आपके कुछ ना कुछ मोटाई भी होती है मोटाई भी बताएं दोस्तों और इसका मेटेरियल चार क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों आपके ब्लेड की लंबाई ब्लेड की लंबाई और आपके मोटाई और आपके चौड़ाई तीनों चीजें और एक आपका मेटेरियल बताना है दोस्तों है ना आपका पदार्थ ब्लेड का पदार्थ चार क्वेश्चन है अपने सामने दोस्तों फटाफट बताइए बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का जल्दी से जल्दी बताइए आप आंसर बताएं कहां गया मनोज मनोज कमला कमलेश गफ्फार खान कहां है सभी आंसर दें जल्दी से जल्दी बताइए किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा क्या बात है आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी आज वीडियो में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों है ना तो करते हैं इसको भी समस्या को रिजॉल्व करते हैं कल अपनी दो घंटे की क्लास रहेगी तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े रहें हमसे है ना थोड़ा बहुत डी के लिए अपन देखेंगे कि हमें किन किन देखो मैं उन टॉपिकों के केवल बात करूँगा जिनसे आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ठीक है तो उनसे ही मैं क्वेश्चन आपके बना के ला रहा हूँ जिससे अपन एक ही क्वेश्चन से पूरी चीज़ों को समझ लें है ना आप जैसे अगर नाम आ गया बर्नियर वेवल प्रोटेक्टर क्वेश्चन ये है लेकिन इसकी सारी थ्योरी आपको समझा दी जाएगी उसी में पांच मिनट में ठीक है तो अपन इस तरीके से तैयारी करेंगे जिससे आपके पूरे टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो जाए आपका थ्योरी भी हो जाएगी और इसी में क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके है ना तो दोस्तों बताइए तो देखिए इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो आपके कितनी होती है दोस्तों सौ से आपके साढ़े तीन सौ एम तक होती है मोटाई की अगर हम बात करें तो आपके दो एम एम मोटा होता है चौड़ाई की बात करें तो आपके बारह एमएम mm होती है पदार्थ की बात करें तो आपका हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं प्यारे मित्रों और कल आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है कल मुझे कम से कम आपके डबल तो इसमें लाइव होने ही चाहिए जो आज रहे ठीक है गुड नाइट अभी को नमस्कार और राम राम अच्छे से सो नई साल आ रही है है ना तो नई साल में कुछ नया धमाका करो बढ़िया आपके तैयारी करो ठीक है दोस्तों